रक्षा समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कहना सुन रहे हैं? छत्रपति महाराज शिवाजी को महाराष्ट्र के साथ साथ समग्र राष्ट्र के बारे में चिंतनशील बनाया था। इसी तरह न जाने ऐसे कितने हमारे राष्ट्र नायक हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों तक का बलिदान देने में उन्होंने रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। मेरे बहनों भाइयों, आज जब हम सभी यहां इकट्ठे होकर राष्ट्र रक्षा समर्पण का पर्व मना रहे हैं तो यह पर्व हमें इसका अवसर भी देता है कि हम एक पल ठहर कर अपनी अब तक की यात्रा पर विचार करें। हम देखें कि अपनी आजादी से लेकर अब तक हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, विकास पथ पर हम कितनी दूरी तक हम आगे बढ़े हैं और अभी हमें और कितनी यात्रा तय करनी है और हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या किया है उससे सीख लेते हुए अपने भविष्य की राह हमें और आपको मिलकर ही प्रशस्त करनी होगी। समय के साथ जैसे चीजें बदली हैं, विचार बदले हैं, अवधारणाएं बदली हैं और मैं तो समझता हूं कि हमारे लिए हमारी आजादी का अर्थ भी बदला है और किसी समय हमारी आजादी का मतलब विदेशी शासन से मुक्ति था, लेकिन उसके बाद इसका अर्थ हुआ दुनिया की सहायता से अपनी जरूरतें पूरी करना और विकास की यात्रा तय करना। यह अब सच्ची आजादी नहीं है पर आज इसका अर्थ यह हो गया है कि हमें अपने विकास की यात्रा भी तय करनी है और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाना है। और मैं यहां इस सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, भारत ने जैसे राजनीतिक आजादी हासिल की है भारत अब सामरिक आजादी भी हासिल करेगा और एक दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, मेरे भाइयों आगामी एक डेढ़ दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथ से वो हथियार बनाए जाएंगे। सामरिक स्वतंत्रता हम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हमने स्वदेशी का रास्ता अपनाया है। पूज्य बापू का यह मानना था कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी या कागजों पर ही शासन का हस्तांतरण नहीं है। जब तक हम पूर्ण स्वराज्य और स्वदेशी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारी आजादी अधूरी रहे। स्वदेशी से उनका अर्थ आत्मनिर्भरता से ही था मेरे बहनों भाइयों, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आत्मनिर्भरता की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता बढ़ चला है। आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं वे आजादी के इसी बदले हुए अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथियों, आज भारत की गिनती विश्व के उन देशों में होती है जिन्होंने कि आजादी के बाद से लंबा सफर तय किया है। और एक समय था देश में बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव था, देश की एक सुई भी नहीं बनती थी। हालात बदले हैं और बदल रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, परिवहन सुविधाओं और संचार सुविधाओं में के मामले में आज हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। और मैं यह याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जहां आजादी के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 32 ईयर्स थी, सामान्यतः औसत जीने का जो समय होता था 32 साल हुआ करता था, लेकिन अब तक किए गए प्रयासों से यह लगभग 70 साल तक पहुंच चुका है और साक्षरता की दर जहां पर लगभग 12% हुआ करती थी अब वह 80% पार कर चुकी है। वह दिन दूर नहीं है कि भारत के अंदर साक्षरता 100% हो गई।